इतना काम करने को पैसा नहीं है भाई, हम क्या करें? सही का कहाँ से लाए हो पैसा? तो मैंने बूबू जी से पूछा। सरकारी लोन है। अब किससे ले? बैंक में जाओ, गवर्नमेंट कितना लोन दे रही है अभी लोगों को। नहीं वो तो ठीक है, पूरा स्कूल में सारे कमरे ही खराब हो गए। एक ही यहाँ पे जो पोस्ट ये होता है जहाँ टीचर टीचर बैठते हैं, और कुछ यहाँ पे वॉलीबॉल चल रहा है बच्चों का, सबका ही चल रहा है, यानी कि कोई। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केविन के व्लॉग्स। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के एक, और दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। मैं बता दूँ रीज़न, तो मेरा रिजल्ट आने वाला था, तो इसलिए टेंशन हो रही थी यार आखिर क्या होगा क्या होगा, कितनी परसेंटेज होगी, किस टाइप से जो नंबर आएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा 12th कंप्लीट हो गया है, वो भी 70% से। क्योंकि 72% इसलिए आई क्योंकि 10th में मेरे 63% थे या 67% थे, कुछ ऐसे थे, याद तो नहीं है मेरे को, लेकिन 63 या 67 में से एक थे। तो उस वजह से मेरे को 12th में उसी टाइप से नंबर दिए गए, तो इसी कारण 72 आई। जैसे मेरे साथ वाले की थी 55% थे, तो उसके 58% आए शायद, तो कुछ इस टाइप से नंबर दिए गए थे। तो यार बहुत बहुत दिल से मेरे को खुशी मिल रही अभी, क्योंकि यार एक साल मेरा फेल हुआ था। आपको बताओ गणित में मेरे 2-3 या 1 नंबर थे, तो इस कारण, और बस यही है। लेकिन भाई और सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर थे, जैसे केमिस्ट्री में मेरे 52 नंबर थे और फिजिक्स में 26 नंबर थे। लेकिन यार उस टाइम मैं पबजी खेलता था और ध्यान भटक गया, तो इस कारण दिक्कत हो गई थी। वो सबके साथ होता है भाई लाइफ में, कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी चीज़ में कमी होता है। बट भाई मैं पढ़ाई में उतना भी लो नहीं था जितना आप देख रहे हो, क्योंकि 10th में मैं पेपर दे के पास हुआ था अपनी खुद की मेहनत से। उस टाइम पर भाई कोई कोरोना होने का केस नहीं हुआ था, तो इसलिए। तो अभी मम्मी को अंदर बताता हूँ, आज ही मेरा रिजल्ट आया। तो यार बस मम्मी अभी यहाँ पे खाना खा रही है, और हर जगह आज मिठाई उठाई बांटनी, यहाँ पे अजीब सा लग रहा है। तो बस कुछ यही है। तो ये मम्मी की तरफ मतलब थोड़ा तसल्ली हो गई, सुकून से मेरा। बस दो काम करने मेरे को लाइफ में, जो कि एक आईफोन या एक गोप्रो या मोबाइल लूँगा मैं 30-35 तक का। तो बस ये दो चीज़ें लेनी है, 30,000 का कैमरा आ जाएगा और 30,000 का मोबाइल आ जाएगा, क्योंकि ये दो चीज़ें मेरे को व्लॉगिंग के लिए चाहिए। तो बस ये दो चीज़ें मेरे पास आएगी ना भाई, सब कंप्लीट कर लूँगा मैं, और मेरे ठीक ठाक सब्सक्राइबर भी। और मेरी दूसरी बात, इनकम भी आ गई है, मेरी चौथी या पाँचवीं इनकम है जो कि अभी इस बार आई मेरी 15,000। तो बस यही कुछ बातें हैं बताना चाह रहा था। तो यार खुशी भी मिली है दिल से, जो चीज़ें मैं चाह रहा था सभी चीज़ें हो गई भाई। आप लाइफ में अगर, मैं भी एग्जांपल खुद का ही दे रहा हूँ आपको, कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो या कभी मेहनत करते हो, तो जो भगवान भी आपकी हेल्प करता है। तो बाहर का सीन दिखाऊँ तो अभी होटल पे अभी पापा बना रहे हैं चाउमीन, जो कि ये देख सकते हो आप, इस पर डाला भाई पत्ता गोभी है शायद, जो कि लाल कर रखा है किसी चीज़ से, और ये लौकी की सब्ज़ी है, और यहाँ पे रखी हुई है भाई मेरी बाइक जो मैंने खुद के पैसों से ली थी, यूट्यूब पैसों से। और धूप आ रखी, बादल बिल्कुल साफ़ हो रखे हैं आज, यानी कि बारिश बिल्कुल नहीं। सही है, यहाँ का मौसम भी कभी कभी साफ कभी सदा बाहर है, लेकिन कभी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इतना बता दें। और भाई देख सकते हो हर घर की। तो अभी आ रखा हूँ मैं धारे, तो धारा आप जानते हो कि जहाँ से पानी भरते हैं, तो यहाँ से प्योर पानी आता है। और अभी मैं क्रिकेट खेलने आया था स्कूल पर, तो ये पीछे पर आपको दिख रहा है वो स्कूल है। तो अभी धारे की ओर चलते हैं, तो क्रिकेट खेल लिया है मैंने, और तो अभी चलते हैं घर को, आगे का सीन दिखाता हूँ। ये है मेरा स्कूल, तो अभी मैं क्रिकेट खेलने आया था, तो स्कूल का दिलदार कराऊँ तो ये है कक्षा 5 तक का स्कूल, और ये पूरा स्कूल है जहाँ मैंने 12th तक पढ़ा। इसी साल 12th कंप्लीट कर रखा है इस स्कूल से, यानी कि 12वीं कक्षा। और नीचे चल रहा है क्रिकेट, आवाज़। फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, तो आप कभी भी यहाँ उत्तराखंड में स्कूलों में आओ, तो स्कूल में आपको बहुत सारे पेड़ लगे हुए मिलेंगे। तो मेरे को कमेंट करके बताना है कि आखिर इतने सारे पेड़ लगाने का कारण क्या होता है। आप देख सकते हो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे भी पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे भी पेड़ लगा हुआ है, उस स्कूल में भी पेड़ लगा है। तो उत्तराखंड में जहाँ भी आप स्कूल देखोगे, अगर सही स्कूल है, 9-10-12 तक का स्कूल है, तो वहाँ आपको पेड़ ज़्यादा मिलेंगे। इस स्कूल में कई क्लासें तो ऐसी खंडर हो चुकी हैं, ये देख सकते हो, ये भी खंडर हो चुका है, और ये भी खंडर हो चुका है वाला, और यहाँ पर ये भी खंडर होने वाला है, देख सकते हो सारे दरवाजे टूटे हुए हैं। तो ज़्यादातर क्लासेस के दरवाजे में सारे टूटे हुए हैं, यहाँ पर भी टूटा हुआ है दरवाज़ा, और उस स्कूल में भी वहाँ पर भी बहुत सारी कंडीशन ख़राब हो रखी है। तो उत्तराखंड में बस ये चीज़ें मेरे को गलत लगती हैं, कि देख सकते हो वहाँ पे भी 2-3 क्लासें तो वैसे ही दरवाजे टूटे हैं, दिख ही रहे होंगे आपको। और भाई हाल दिखाऊँ तो ये खंडर हो चुका है, अभी अंदर से दिखाता हूँ, पूरा ये टूटने वाला है ये, तो ये देख सकते हो आप।
ये देख सकते हो ये, और नीचे पे आपका मैच चल रहा है, यहाँ पे क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा ख़राब हाल हो चुका है। तो भाई ये चीज़ें मेरे को गलत लगती हैं, तो मैं दूर से दिखा रहा था तो नॉर्मल उतना तगड़ा नहीं लग रहा होगा। ये देख सकते हो यहाँ पे भी देखो, ये इस टाइप का लग रहा है जैसे ये स्कूल कभी खुला ही नहीं। ये अलमीरा, और वहाँ भी दिखाऊंगा ना भाई, पूरा स्कूल में सारे कमरे ही ख़राब हो रखे। एक ही यहाँ पे जो पोस्ट ये होता है जहाँ टीचर रिजर्व रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी पेड़ लगा हुआ है और यहाँ भी क्लासेस हैं। यहाँ भी देख सकते हो आप हाल, और ये देख सकते हो ये दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ है, ये पेड़ लगे हैं। और पीछे का सीन दिखाऊँ तो स्कूल के भाई चारों ओर से पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे आपको यहाँ। तो ये है मेरा विद्यालय, जो कि इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है। तो ये देख सकते हो लेटरिन बाथरूम के दरवाजे खुले पड़े हैं, जबकि स्कूल महीनों से नहीं खुल रखा है आपका। और ये है जो कार्यालय होता है स्कूल का, जहाँ ऑफिस बोले तो ऑफिस बोल सकते हैं इसको। और ये अभी नया बनाया था मैंने, इसी साल यहाँ से 12th कम्प्लीट किया यानी कि 12वीं। तो यार अच्छा नहीं लगता है, यहाँ के दरवाजे बिल्कुल सेव है। तो कुछ ये है मेरा विद्यालय और मेरे विद्यालय के हाल, यहाँ के भी बिल्कुल सही हैं। यहाँ के अगर जैसे टूटते फूटते भी हैं तो दोबारा से रिपेयर करा लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरी सामान रहते हैं। तो भाई कुछ ये है हाल चाल। ये बब्बू जी यहाँ पे आ रहे हैं घूमने के लिए। आ रखो मैं नीचे फील्ड, तो फील्ड काफ़ी अच्छा है और उस साइड रोड है। तो अभी मैं चारों तरफ का दिलदार कराऊंगा। यहाँ पे संदीप भाई है और कुछ यहाँ पे वॉलीबॉल चल रहा है बच्चों का, सबका ही चल रहा है, यानी कि कोई मज़े से खेलने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे अपने संदीप भाई वर्कआउट करते हुए, जो कि रोज़ करते हैं, मेरे से भी बहुत बोलते हैं संदीप भाई वर्कआउट करने के लिए, बट मैं कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन भाई रोज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बूबू जी हैं और यहाँ पे वीडियो बनाओ बूबू जी आपके, एक वीडियो बनाओ बूबू जी आपके एक। इतनी बड़ी कढ़ाइयां होती है हमारी। तो बूबू जी ने देखो सिर्फ एक ही प्रकार की रखी है, तो मैंने पूछा बूबू से अब आज जो है हम बनाएंगे इसका ढक्कन भर के लिए चाहिए चाहिए इतना तो चाहिए। फिर अब इसमें कुछ 20 किलो मिठाई बनती है, अब क्या करेगा आदमी। तो बनाओ तो सही एक बार। अरे बोलू खा रहे एक और लेबर पार्टी काम ही नहीं है उनको, तो 2 रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, हमें भी मुश्किल पड़ रही है खाना। अब क्या करेंगे हम, किसी तरह से जिंदगी जी रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल होते जा रहे हैं, मकान मालिक का किराया चढ़ा ऊपर से और है। अब लगा लीजिए 2 साल से ज़्यादा हो गया लॉकडाउन जी। अब हम किराया कहाँ, इतना 1000 रुपये किराया कहाँ से लाएँ, 1000 रुपये महीना किराया है हमारे लिए, अब हमारे कौन सुनता है साहब, हम तो ऐसे ही है बस हो गया। मार्केट भी तो छोटा है यहाँ का वैसे बहुत, तो भी अगर लॉकडाउन से पहले ठीक ही चलता था, किराया भी ज़्यादा था, खाना भी हो जाता था, बच्चे भी पल जा रहे थे। अब तो किराया देना मुश्किल हो गया, अब ना खाना ही मुश्किल हो गया, कहाँ बच्चे पढ़ लें, क्या करेंगे। समस्या है इनकी। ये मैं बताऊँ, आप तो सर्विस भी है ठीक है, आप अच्छे हैं, हम जैसे निम्न वर्ग के दुकानदार बर्बाद हो गए, और दूसरा लेबर पार्टी बर्बाद हो गई, तीसरा जो कंपनी में काम करते थे ना वो हमारे सारे बच्चे घर बैठे हुए हैं, 2 साल हो गए, उन्हीं से जो है हमारा गांव से ये गांव तो चल रहा है बाहर भी, अब और स्टार्ट शुरू हो गया। आप तो रहे हो, आपने शर्त की राशि वैक्सीन होनी चाहिए, बोल शुरू हो गया, वैक्सीन लगने का सर्टिफिकेट चाहिए, तब उनको जगह मिल जाए। खुद मेरा लड़का ऑफिस में रहता है, गुजरात में नौकरी करता था, वहाँ से उसका बुलावा आया, तो अब वो कह रहे बगैर वैक्सीन के मत आओ, बड़ी जद्दोजहद के भाई एक टीका लगाया कल। अब समस्या ये लिखे रहते थे बगैर वैक्सीन, उन्होंने बता भी तो सही कुछ, तो मैंने पहले ले लिया है। तो बूबू जी की मुसीबत आप समझ सकते हो, लॉकडाउन के बाद इनका धंधा है बिल्कुल चौपट हो गया है, और इन्होंने एक ही प्रकार की मिठाई बनाई थी, तो यहाँ पे इनकी दुकान मोहानी से, हाँ मोहानी से लास्ट दुकान इनकी है। तो कुछ ये है, तो लॉकडाउन के बाद तो पूरा धंधा, तो हमारे पास तो काम करने को पैसा नहीं है भाई, हम क्या करें। सही का, कहाँ से लाया वो पैसा। तो मैंने बूबू जी से पूछा, और हटकर 10,000 रुपये देने को कह रही थी, वो भी कहाँ से मिलता है, क्या मिलता है कुटीर उद्योग के लिए, अब कहाँ से मिलता है हमको इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी लोन है अब किससे ले,
बैंक में जाओ, गवर्नमेंट कितना लोन दे रही है अभी लोगों को। नहीं वो तो ठीक है, बैंक में भी तब आएगा जब वहाँ से सर्कुलेशन आएगा, वो तो आप घोषणा करें कब आएगा। नहीं नहीं वहाँ से तो हो गया, मैं तो कुछ न्यूज देख रहा था अभी कुछ टाइम पहले, थोड़ा देखो ना तुम, थोड़ा सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। अच्छा ये तो हमको नहीं आता, हमको तो मोबाइल चलाना ही नहीं आता। आप क्या बटन वाला मोबाइल होगा शायद? हाँ खाली मोबाइल ठहराई वहाँ पर रखा हुआ है ना, बटन वाला मोबाइल। किसी का फोन आ गया तो हाँ उठा के हेलो कहने वाले भी। हाँ हम शुरू करने के लिए सरकार दे रही है, मतलब लोन दे रही है। अरे साहब अब कहाँ है फिर हमारे दुआ, खाली डिब्बे टुब्बे रखे हैं, अब माल मंगाने के लिए पैसा चाहिए। तो खाली आप देख सकते हो डिब्बे डिब्बे रखे हैं और यहाँ पे माल ही सिर्फ क्या है बाबू जी, ये तो चीनी गल गई है, चीनी गल गई है। और देख सकते हो आप बिल्कुल धंधा चौपट रखा है बाबू जी का। और इनकी दुकान है मोहानी में, लास्ट यहाँ पे आपको इनकी दुकान लास्ट मिल जाएगी। अभी हम यहाँ पे घूमने को आए थे वैसे बाइक में, क्योंकि यहाँ पे संदीप दा के दोस्त का घर है तो बात करने आए। तो क्या करें हम, आप मजबूर है साहब। बाबू जी की दुकान है देख सकते हो, लास्ट दुकान मोहानी की, इसके बाद मोहानी का एरिया आगे वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बज गए शाम के 5 और अभी अंधेरा हो गया, सॉरी 6 या 6:30 हो गए होंगे, अंधेरा हो गया है बाहर। और रही बन रही है शाम की लास्ट चाय जो कि तीसरी चाय है, इसमें रखा है चना, वहाँ पे संजू भाई बैठे हो और कुछ ऐसा चल रहा है अभी। सी क्या हुआ तेरे को? मतलब तू कहता कागज की देखी, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। मतलब किसी प्रॉब्लम का भी, मतलब कोई चीज का भी बात बता, बोलने का मतलब क्या है? मतलब वो कह सोच रहा है, कहानी बता रहा है। मैं कह रही मैंने आंखों देखी, पता है कि संघर्ष कितने होते हैं इंसान की जिंदगी में, ठीक है? तुमने तो कहानी में ही सुना है, लेकिन मैंने हकीकत में आजमाया है कहने का। तो यहाँ पे बिल्लू भाई आता हुआ, बिल्लू भाई ना क्या है क्या बिल्लू भाई? अभी क्या हुआ? तो ये अलग कुत्ता हमारा जो क्या है, मतलब यही बैठे रहता है। भी मुझे बैग की जरूरत है, बैग जो पहले नहीं चलते थे वो रिबॉक, ये रिबॉक लिखा था, ताने होते थे उसमें ताने, वो वाला बैग चाहिए था। क्या कह रही है? भर्ती में जा रहा है, पूरी घर है जूते क्यों डाल रही है? मैं गरीब फौज की भर्ती के लिए तैयार कर रखा है इसको, आशे दौड़ जा रहा है भर्ती में। अरे अभी दौड़ के आया 5 बजे, मालिश करके पूरा तंदुरुस्त। मतलब दौड़ के नहीं आया, क्रिकेट खेलने गया था, मतलब क्रिकेट गया, थोड़ा बहुत घुमा उधर। क्या होता है दौड़ा, बॉडी तो इसकी सॉलिड है, ज्यादा मोटा और भैंस के बराबर होना जरूरी थोड़ी है, अंदर से ताकत होनी चाहिए। अंदर से ताकत है नहीं होगी फिर, एक ही बेटा है टिकी वाला केविन दिखलाया होगा क्या मैंने? टिकी वाला केविन अंदर से कितनी ताकत है? अंदर से आजमा के देखना किसी दिन, तब पता चलेगा। हाँ अब बाल तो खिलाया होगा, टी शर्ट भी और बाल भी एक कवर के, क्या वो अंग्रेज का ऐसा बच्चा लग रहा है वो? देखता हूँ खुद की शक्ल इतनी अच्छी लग रही है, शक्ल अच्छी है, शक्ल मेरे पे गई है, बिल्कुल गोरा चिकना है मेरा बेटा, और बाल भी वैसे हुए जैसे मुझी शक्ल हो रही है, वैसे बाल भी है उसके, कोई गलत थोड़ी है शाह, बच्चे तो मेरे बहुत खूबसूरत हैं। ये राहुल भाई, ये आज तो बाल चंगा बन गए, गोरा चिकना बन गया है तो। ये बनी आप चाय, इसमें अदरक तो डाल रखी है, लेकिन अदरक की खुशबू कम आ रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें।